अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर नंबर 16 में आपको खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने मशीन लर्निंग और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था, आज हम उन टाइप्स को फर्दर ही एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, कहां कहां इस्तेमाल होती है, उसके कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होती हैं और अनसुपरवाइज लर्निंग की कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं और वो कहां कहां इस्तेमाल होती है। और अगर आज के लेक्चर में थोड़ा टाइम मिला तो हम इसकी कोडिंग एग्जांपल्स की तरफ भी आएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम पाइथन कोड को यूज करते हुए सुपरवाइज लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते हैं और अनसुपरवाइज लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर स्लाइड्स पे चलता हूँ। तो स्लाइड्स में सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग के ऊपर हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी कि लेबल्ड डाटा होता है हमारे पास, और डाटा जब भी कंप्यूटर को सिखा रहे होते हैं तो वो एक लेबल्ड की फॉर्म में सिखाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास यहाँ पर दो चीजें होती हैं। एक होते हैं हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास वो होते हैं जो कि हमारे आउटपुट्स होते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास इनपुट्स होते हैं। ठीक है, इसको मैं सिंपल एग्जाम्पल से आपके थ्रू समझाता हूँ कि आपको मैंने लास्ट क्लास में कैट और डॉग की एग्जाम्पल दी थी। अब हमारे पास जो कैट और डॉग की इमेजेस थी, जो उनकी तस्वीरें थी, दैट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी हम कैट और डॉग की कोई भी तस्वीरें दे सकते हैं, किसी भी एंगल से खींची हुई तस्वीरें, किसी भी तरह की कैट की तस्वीर हम कंप्यूटर को दे सकते हैं उसे सिखाने के लिए। जो कैट और डॉग की तस्वीरें थी, दैट आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और उन तस्वीरों के साथ जो लेबल था कि ये कैट है या डॉग है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो कैट और डॉग वो उस तस्वीर की वजह से डिसाइड होगा, उस तस्वीर पे डिपेंड कर रहा है, तो दैट इज द कैट एंड डॉग। तो हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। नॉर्मली हम इसको एक मैथमेटिकल फंक्शन से शो कर रहे होते हैं, दैट इज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, कि हमारे पास क्या है, वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कि कैट और डॉग है जिसे हम आउटपुट भी कहेंगे, और हमारे पास जो एक्स है, दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि वो तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों के अंदर कैट और डॉग मौजूद है। अब सुपरवाइज लर्निंग हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम अनसुपरवाइज लर्निंग को देख लेते हैं कि व्हाट इज अनसुपरवाइज लर्निंग। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में हमने बात की थी, हमारे पास अनलेबल डाटा होता है, यानी डाटा तो होता है, इनपुट्स तो होती हैं, आउटपुट्स नहीं होते। हमने सिर्फ इनपुट्स होते हैं यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम कंप्यूटर को दे देते हैं। मशीन उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर सिमिलैरिटीज की बेस पर उनके डिफरेंट क्लस्टर्स बना देती है, तो दैट इज द अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे आ जाते हैं कि अनसुपरवाइज लर्निंग की अगर हम बात करें तो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक हमारे पास होती है क्लस्टरिंग और एक हमारे पास होता है एसोसिएशन। क्लस्टरिंग का मतलब कि जिस तरह से मैंने उसको कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स दी, मशीन को मैंने पांच तरह के एनिमल्स की पिक्चर्स दी, मैंने उसे कुछ लायंस दिए, मैंने उसे कुछ टाइगर्स दिए, कुछ मैंने उसे मंकीज दिए, कुछ एलिफेंट्स दिए, ये चार तरह के एनिमल्स की मैंने तस्वीरें दी, तो मशीन उन तमाम तस्वीरों में सिमिलरिटीज की बेस पर वो लाइंस को एक अलग ग्रुप में कर देगी, वो जितने भी हमारे मंकीज हैं उनको एक अलग क्लस्टर में डिवाइड कर देगी, हमारे एलिफेंट्स को अलग क्लस्टर में डिवाइड कर देगी, टाइगर को अलग क्लस्टर में डिवाइड कर देगी, तो दैट इज द क्लस्टरिंग। ये हमारे पास क्लस्टरिंग प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हम आते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होती है कि नॉर्मली बाज़ दफा आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास जो डिफरेंट चीजें होती हैं, यानी हमारे पास कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं या आप कह लें कि हमारे पास कुछ बिजनेस वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर जब हम कोई भी चीज परचेस करते हैं, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान में दराज की एग्जांपल लें या अमेजोन की एग्जांपल लें, तो अमेजोन पे जैसे आप कुछ चीज परचेस करते हैं या दराज से आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के साथ कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि रिकमेंडेशंस में आ रही होती हैं। जैसे कि आपने मोबाइल परचेस किया दराज से, तो साथ रिकमेंडेशन में आ रहा होगा कि आप इसके साथ हेडफोन्स भी परचेस कर सकते हैं, आप इसके साथ एयरबड्स भी परचेस कर सकते हैं, आप इसके साथ इसका बैक कवर भी परचेस कर सकते हैं, तो ये सारी कुछ रिकमेंडेशंस आ रही होंगी उन सेलर्स की और उन प्रोडक्ट्स की। तो ये जो रिकमेंडेशन सिस्टम्स हमारे बनाए जाते हैं, इनके अंदर एसोसिएशन रूल माइनिंग इस्तेमाल होती है। यानी एसोसिएशन रूल माइनिंग का मतलब कि एक प्रोडक्ट की सिमिलरिटीज की बेस पर दूसरे प्रोडक्ट के साथ उसकी क्या कनेक्शन है, उसका क्या कनेक्शन उस प्रोडक्ट का बन रहा है, तो इस बेस पर हमें मशीन लर्निंग मॉडल एक प्रोडक्ट के खरीदने पर दूसरी प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रहा होता है, दैट इज द एसोसिएशन। तो यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है। इसके अलावा सोशल मीडिया वेबसाइट्स में आपने अक्सर देखा होगा कि यूट्यूब में जिस तरह के प्रोग्राम्स आप ज्यादा देख रहे होते हैं, उस तरह की रिकमेंडेशंस आपके यूट्यूब में बहुत ज्यादा आ रही होती हैं। यानी अगर आप क्रिकेट के बहुत ज्यादा फॉलोअर हैं तो आप क्रिकेट देखते हैं, तो आपको जब यूट्यूब पे आप होम पेज ओपन करेंगे तो आपको जो लेटेस्ट क्रिकेट की
जैसे कह लें हाईलाइट्स हैं वो आपको शो हो रही होंगी, तो दैट इज ऑल्सो द एसोसिएशन एल्गोरिदम। वहां पर भी एक रिकमेंडेशन एल्गोरिदम इस्तेमाल हो रहा होता है जो कि आपके इंटरेस्ट की बेस पर सिमिलरिटीज कैलकुलेट कर लेता है कि यूट्यूब में कौन कौन सा ऐसा कंटेंट है जो कि आपके इंटरेस्ट से मैच कर रहा है, तो उसकी बेस पर वो आपको ये दिखा रहा होता है, दैट इज एसोसिएशन रूल माइनिंग। और क्लस्टरिंग की भी हमने यहाँ पर बात कर ली। तो यहाँ पर गूगल न्यूज की एग्जाम्पल दी हुई है, इसी तरह सोशल नेटवर्क एनालिसिस और एस्ट्रोनॉमिकल डाटा एनालिसिस की एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम एक और तरह की लर्निंग पे आते हैं। अभी तक हमने इसकी बात नहीं की, तो मैं जरा स्लाइड्स पे चलता हूँ और स्लाइड्स पे मैं आपको सुपरवाइज लर्निंग की भी कुछ टाइप्स बता देता हूँ। ये तो हमने अनसुपरवाइज लर्निंग की टाइप्स बता देख ली, उसके बाद हम सुपरवाइज लर्निंग की भी कुछ टाइप्स देख लेते हैं। तो ये मेरे पास नॉर्मली स्लाइड्स हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। अब सुपरवाइज लर्निंग में दो तरह से टाइप्स होती हैं, हमारे पास एक टाइप होती है दैट इज रेग्रेशन और दूसरी टाइप होती है हमारे पास क्लासिफिकेशन। अब ये कब कब होती है, सबसे पहले हम रेग्रेशन की बात करते हैं कि अगर हमारे पास जो आउटपुट है वो कंटिन्यूस होगी, हमारी आउटपुट कंटिन्यूस होगी, तो उस केस में हमारे पास जो प्रॉब्लम है या हमारी जो भी स्पेसिफिक एरिया है वो हमारा रेग्रेशन का होगा, ठीक है। कंटिन्यूस आउटपुट का क्या मतलब है ये अभी आपको मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, तो बस आप अभी के लिए ये याद रखें कि जब हमारे पास हमारी जो आउटपुट वैल्यूज हैं, हमारे टारगेट वैल्यूज हैं, जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो अगर कंटिन्यूस वैल्यूज होंगी उनमें, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम होगी ये रेग्रेशन की कंसीडर की जाएगी। और अगर हमारे पास जब भी कोई भी ऐसी आउटपुट है जो कि डिस्क्रीट वैल्यूज में है, तो उस केस में हमारे पास जो प्रॉब्लम होगी दैट विल बी अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब इस एग्जांपल में सबसे पहले मेरे पास एक वेदर प्रेडिक्शन का सिस्टम है, वेदर प्रेडिक्टर है एक, जो कि टेम्परेचर बता रहा है जितने भी हमारे पास फीचर्स हैं उनको देखते हुए, ठीक है, सैटेलाइट से डिफरेंट फीचर्स लेते हुए, या ओवरऑल जितनी भी ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर वगैरह, ये सारी चीजें जो फीचर्स हमारे हैं उन फीचर्स को देखते हुए कि टेम्परेचर प्रेडिक्ट कर रहा है कि कल टेम्परेचर क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके उसके अगले दिन बाद क्या होगा। तो अब ये जो टेम्परेचर है हमारे पास, टेम्परेचर की वैल्यू, ये हमारे पास डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है? आप यकीनन कहेंगे कंटिन्यूस है, क्योंकि टेम्परेचर एक कंटिन्यू तसलसल के साथ बढ़ता है या कम होता है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि टेम्परेचर अचानक थोड़ा ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर आज -3 है और कल 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, ठीक है, इस तरह से कभी नहीं होगा। तो इसके अंदर एक कंटिन्यूटी है, टेम्परेचर के अंदर हमेशा कंटिन्यूटी होती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं दैट वुड बी अ रेग्रेशन प्रॉब्लम, जिनके अंदर हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज आ रही होती है, यानी पॉइंट्स वाली वैल्यूज हमारे पास आउटपुट में आ रही होती है, फीचर्स की बेस पर आउटपुट हमारे कंटिन्यूस होते हैं। दूसरी तरह की प्रॉब्लम जिसके अंदर हमारे पास फीचर्स जितने भी हों हमारी आउटपुट लिमिटेड होती हैं और डिस्क्रीट होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कैट और डॉग की एग्जांपल आपको दी थी। तो अब कैट और डॉग के ऊपर हमने एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करवाया और हम अब उस मशीन लर्निंग मॉडल को कोई भी इमेज दे दें टेस्ट करने के लिए, तो वो उस इमेज का आंसर कैट या डॉग ये दो वैल्यूज के अंदर बताएगा। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि इस इमेज को लाइन कहते हैं या मंकी कहते हैं या एलिफेंट कहते हैं, चाहे उस इमेज में एलिफेंट भी मौजूद हो, वो फिर भी हमें कैट और डॉग ये दो ही पॉसिबल आंसर्स उसके पास हैं जो वो हमें बताएगा। या तो किसी तस्वीर को देखते हुए उसे कैट कंसीडर करेगा या किसी तस्वीर को देखते हुए उसे डॉग कंसीडर करेगा, उसके अलावा कोई भी तीसरा आंसर वो हमें नहीं बताएगा। दैट इज द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हमारे पास जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, यानी हमारी आउटपुट्स जो होती हैं, रिस्पॉन्सेज जो होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, डिस्क्रीट्स होते हैं और लिमिटेड होते हैं। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 10 भी हो सकते हैं, जितनी क्लासेस हमने सेट की हुई हैं अपने मॉडल के अंदर उतनी क्लासेस होंगी, लेकिन वो सारे के सारे लिमिटेड होंगे, ठीक है। जबकि रेग्रेशन के अंदर हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं और कंटिन्यूस वैल्यूज नॉर्मली हमारे पास अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। अगर जी हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू है, तो टेम्परेचर अगर हम लेट्स सपोज कह लें तो टेम्परेचर कम से कम कितना कम हो सकता है, डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर। एंटार्क्टिका के अंदर नॉर्मली -65 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कम से कम काफी कम हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर कितना हो सकता है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है,
ज्यादा से ज्यादा किसी भी अगर इलाके में हम जाएं तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, लेकिन अगर हम सूरज के ऊपर चले जाएंगे वहां पे चलेंगे तो वहां पे 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें मिलेगा। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है और एक कंटिन्यूस वैल्यूज है। तो ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कंटिन्यूस वैल्यूज होंगी वो हमारी रेग्रेशन प्रॉब्लम होंगी, और जिसमें डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी दैट वुड बी अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा इन दो तरह की प्रॉब्लम्स में। उसके बाद हम आगे आते हैं इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स पे कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को और रेग्रेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के एल्गोरिदम्स होते हैं। हमने आज उन एल्गोरिदम्स के जस्ट नाम याद करने हैं, उनकी डिटेल में अभी नहीं जाना क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना। हम जस्ट उन एल्गोरिदम्स के नाम याद करेंगे और फिर ये देखेंगे कोड एग्जांपल्स पे जाके कि हम किस तरह से उन एल्गोरिदम्स को इंप्लीमेंट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, और फिर देन उन एल्गोरिदम से हम अपने प्रेडिक्शंस किस तरह से लेते हैं। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ अपने पास रेग्रेशन के डिफरेंट एल्गोरिदम्स पे। तो हमारे पास यहाँ पर रेग्रेशन के ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स है दैट आर सिंपल लीनियर रेग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन, पॉलिनोमियल लीनियर रेग्रेशन। ये डिफरेंट रेग्रेशन के ही डिफरेंट वेरियंट्स हैं जो कि डिफरेंट तरह के डाटा को डील करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह हमारे पास स्पॉट वेक्टर रेग्रेशन, ये भी एक एल्गोरिदम है जो कि रेग्रेशन प्रॉब्लम के डाटा को कंप्यूटर को सिखाने के लिए, मशीन को सिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से डिसीजन ट्री रेग्रेशन है जो कि हमारे पास क्या होता है, रेग्रेशन के प्रॉब्लम्स को सिखाने के लिए, कंप्यूटर को सिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेशन है, एंसेंबल लर्निंग टेक्निक है, ये भी इस्तेमाल होती है। इसी तरह अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन दो तरह की होती है, बाइनरी क्लासिफिकेशन एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो क्लासेस हैं, कैट और डॉग, जिस तरह भी हमने एग्जांपल डिस्कस किया यहाँ पर दो ही क्लासेस हैं, या तो हमारे पास कोई इमेज कैट होगा या हमारे पास डॉग होगी। इसी तरह से मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का मतलब कि हमारे पास दो से ज्यादा क्लासेस हैं, यानी हमने पांच एनिमल्स जो है वो कंसिडर किए हैं। तो पांच एनिमल्स में मंकी भी है हमारे पास, टाइगर भी है हमारे पास, डॉग भी है। तो ये डिफरेंट तरह के एनिमल्स जो हमने दो से ज्यादा क्लासेस को अगर हम यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करवा रहे हैं तो दैट वुड बी अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम या बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर कुछ एल्गोरिदम्स इस्तेमाल होते हैं, इनके भी हम नाम याद कर लेते हैं। सबसे पहला एल्गोरिदम है दैट इज लॉजिस्टिक रेग्रेशन, ये दोनों क्लासेस के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो चाहे हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो। इसी तरह से डिसीजन ट्री क्लासिफायर, वहां पर रेग्रेशन के अंदर डिसीजन ट्री रेग्रेसर यूज होता था, यहाँ पर हमारे पास डिसीजन ट्री क्लासिफायर यूज होता है। इसी तरह से स्पॉट वेक्टर मशीन इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, बट ये डीप लर्निंग के मॉडल्स हैं, इनका मशीन लर्निंग से एज इट इज डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, डीप लर्निंग के अंदर ही हम इसको स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से बायजियन हमारे पास रेग्रेशन होते हैं, यानी हमारे पास बायजियन क्लासीफायर होते हैं, नए बेस क्लासीफायर है जिसके थ्रू हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमारे पास बायजियन के अंदर गॉसियन नाइव बेस क्लासीफायर होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं हमारे पास, इसके अंदर भी डिफरेंट वेरिएंट्स आ जाते हैं गॉसियन के अंदर के, हमारे पास ये बर्नौली है ठीक है, या मल्टीनोमियल है, या कौन सा गॉसियन बायस क्लासिफायर है जिसके बेस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये बेजियन एल्गोरिदम्स होते हैं जिसके बेस पर हम ये काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से रैंडम फॉरेस्ट है, एडा बूस्ट है, बैगिंग क्लासिफायर्स, दीज आर ऑल एंसेंबल लर्निंग टेक्निक्स जिनको हम क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है हमारे पास रियल वर्ल्ड में, तो उसके लिए एल्गोरिदम्स भी हमारे पास यहाँ पर काफी मौजूद हैं। तो ये हमने यहाँ पर एल्गोरिदम्स डिस्कस कर लिए इसके। अब हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पे आते हैं और उसके बाद फिर अपने कोड पे चलेंगे। हमारे पास जो डाटा होता है, जिस डाटा को भी हम मशीन को सिखाने के लिए यूज कर रहे हैं, हम उस डाटा को स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले हम उस डाटा के डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं ठीक है। एक हमारे पास होता है ट्रेनिंग पार्ट और एक हमारे पास होता है टेस्टिंग पार्ट। यानी आप जिस तरह से लेट्स सपोज हम कैट और डॉग की एग्जांपल लेते हैं, तो कैट और डॉग की एग्जांपल के अंदर आप जानते हैं कि हमारे पास कैट होगी, कैट इमेजेस होंगी और उनके लेबल्स होंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि कैट और डॉग की अगर हमारे पास 1000 इमेजेस हैं तो 1000 इमेजेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तरफ हम 800 इमेजेस एक साइड पे करेंगे और दूसरी तरफ 200 इमेजेस हमारी एक साइड पे होंगी। ये हमने डाटा को सेपरेट कर दिया। अब जो 800 इमेजेस हैं, उन 800 इमेजेस के साथ उनके लेबल्स होंगे कि वो 800 इमेजेस में कौन कौन सा कैट है और कौन सा डॉग है। इसी तरह 200 इमेजेस जो हैं उनके लेबल्स होंगे कि 200 में से कौन कौन से कैट और कौन कौन से डॉग हैं। अब जो 800 इमेजेस हैं, उन इमेजेस को हम क्या करेंगे, अपने मशीन लर्निंग मॉडल को देंगे और साथ उन इमेजेस के लेबल्स यानी उनके आउटपुट्स वो भी हम मशीन लर्निंग मॉडल को देंगे और मशीन लर्निंग मॉडल को उन 800 इमेजेस के ऊपर सिखाएंगे, ट्रेन करवाएंगे कि ये 800 इमेजेस हैं, इनमें से ये वाला इस तरह की जो तस्वीर है ये कैट होती है और इस तरह की जो तस्वीर है ये डॉग होती है।
जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो ट्रेन होने के बाद हमारे पास जो 200 इमेजेस हैं, उन 200 इमेजेस को हम मॉडल को देंगे और मॉडल को कहेंगे कि बताओ ये 200 इमेजेस में जो डिफरेंट तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के क्या क्या नाम है। मॉडल ने जो कुछ सीखा हुआ है वो अपनी लर्निंग की बेस पर किसी को कैट कह देगा, किसी को डॉग कह देगा, इस तरह से वो सारे के सारी 200 की 200 इमेजेस के लेबल्स हमें देगा। अब जो मॉडल ने हमें प्रेडिक्शंस दी है, प्रेडिक्टेड लेबल्स दी है, उनको हम अपने एक्चुअल लेबल्स, जो हमारे पास 200 इमेजेस के लेबल्स थे पहले, उन एक्चुअल लेबल्स के साथ हम उसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारे मॉडल्स ने कितने इमेजेस के ऊपर ठीक प्रेडिक्शन दी है और कितने इमेजेस के ऊपर गलत प्रेडिक्शन दी है। तो इस चीज को हम कहते हैं, ये हमारे पास जो टेक्निक होती है, दैट इज ट्रेन टेस्ट सिमुलेशन, कि हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग के ऊपर डाटा को अलग अलग कर लेते हैं। ट्रेनिंग सेट के ऊपर हम डाटा को ट्रेन करवाते हैं और टेस्टिंग सेट में से इनपुट देकर हम मॉडल की प्रेडिक्शन निकालते हैं और उसको फिर ओरिजिनल आउटपुट के साथ कंपेयर करके मॉडल की वैलिडिटी चेक कर लेते हैं कि मॉडल कितना एक्यूरेट काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से, इस प्रोसेस को हम ट्रेन टेस्ट सिमुलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं आगे अपनी नोटबुक्स पे और हम देखते हैं कि हम किसको, जब हमारे पास एक डिजायर्ड लेवल तक एक्यूरेसी अचीव हो जाती है, यानी मॉडल अगर 90% 200 इमेजेस में से 90% उसने डॉग और कैट सही प्रिडिक्ट किए हैं, इसका मतलब हमारा मॉडल काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब हम उसको रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट में या उससे जो है वो हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर अप्लाई करते हैं। जब तक उसकी एक्यूरेसी 50-60 तक जा रही है, तब तक वो ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा, तब तक हम उसके लिए कोई डिफरेंट टेक्निक्स लगाते हैं ताकि उसको किसी तरह से ऑप्टिमाइज किया जा सके। और यही हमने लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने यही पढ़ा था कि हमारा सेकंड लास्ट जो प्रोसेस होता है वो यही होता है, मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, मॉडल इवेलुएशन एंड मॉडल ऑप्टिमाइजेशन। तो इवेलुएशन के लिए हम ट्रेनिंग टेस्ट सिमुलेशन करते हैं और उसी की बेस पर फिर हमें पता चलता है कि मॉडल को हमें कितना ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। तो उसके बाद ये मैं अपने कोडिंग एग्जाम्पल्स पे आता हूँ। तो कोडिंग एग्जाम्पल्स के लिए मैं यहाँ पर ये अपने गिटहब को ऑन कर लेता हूँ। ये मेरी गिटहब है, अब तक हम जितना भी पढ़ रहे हैं वो इसी गिटहब से हम पढ़ रहे हैं और उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने इसको क्लिक कर लिया और ये किक्स एआई कोर्स के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर जो मेरा स्टेप है मशीन लर्निंग का, सुपरवाइज लर्निंग, दैट इज द लेसन नंबर 15। अब इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स है हमारे पास, एक हमारे पास रेग्रेशन की प्रॉब्लम है, एक हमारे पास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं रेग्रेशन की प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूं। तो मैंने यहां पे रेग्रेशन की नोटबुक ओपन कर ली जी। अच्छा, ये यहाँ पर सबसे पहले ना इस नोटबुक के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने कुछ लाइब्रेरीज को यूज किया हुआ है। अब लाइब्रेरीज में से पहली वाली दो लाइब्रेरीज तो आप जानते हैं, नंपाई और पांडास हैं, जो कि आप जानते हैं नंपाई अरे के लिए इस्तेमाल होती है, पांडास हमारे डाटा फ्रेम्स के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद ये सीबोन लाइब्रेरी है जो कि कुछ विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है, अगर आपने कुछ ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज ये आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इसी तरह से ये मैटप्लोटलिब, ये भी डाटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है, आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कुछ लाइब्रेरीज पे। एक हमारे पास लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं, दैट इज sklearn। sklearn ये स्टैंड फॉर होता है scikit-learn। sklearn या scikit-learn हमारे पास मशीन लर्निंग की एक बहुत ही पॉपुलर इस्तेमाल की जाने वाली लाइब्रेरी है, जिसके अंदर हमें मशीन लर्निंग से रिलेटेड बने बनाए एल्गोरिदम्स, मेथड्स और टेक्निक्स मिल जाती हैं। जैसे कि numpy अरे के लिए है, डेटा के लिए हमारे पास पांडास है, इसी तरह मशीन लर्निंग के बने बनाए एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग के बने बनाए टेक्निक्स और मेथड्स को यूज करने के लिए हमारे पास scikit-learn एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इस्तेमाल होने वाली लाइब्रेरी है। तो इस scikit-learn, चूंकि एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है, इससे हमने कुछ मेथड्स को यूज किया है, जिस तरह से मैंने इसके इससे प्री प्रोसेसिंग के कुछ मेथड्स हैं, लेबल इनकोडर इसको यूज किया है, इसकी क्लास को यूज किया है, इसी तरह से मैंने scikit-learn से मॉडल सिलेक्शन यूज किया है और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मेथड यूज किया है। ये वही ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मेथड है जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा को अलग अलग सेट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए ये मेथड मैंने यूज किया है। इसी तरह से मेरे पास चूंकि रेग्रेशन की प्रॉब्लम है, तो मैंने sklearn से एक लीनियर मॉडल की क्लास को यूज करते हुए एक लीनियर रेग्रेशन की क्लास इंपोर्ट करवा ली है, और इसी तरह से मैंने sklearn से एक मेट्रिक्स इंपोर्ट करते हुए मीन एब्सोल्यूट एरर मेट्रिक्स को यहाँ पर क्या किया है, इंपोर्ट करवा लिया, ताकि मैं यहाँ पर इसको इवेलुएट कर सकूं कि मेरे मॉडल के अंदर कितना लॉस आ रहा है, कितना मेरा मॉडल गलत प्रिडिक्शन कर रहा है। तो ये हमारा एल्गोरिदम है जो कि हम यूज करेंगे
ये हमारे मॉडल को इवेलुएट करने का एक फार्मूला है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हमारा ट्रेन टेस्ट सिमुलेशन है जो कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग को अलग अलग करने के लिए। और ये हमारा है लेबल इनकोडर। ये बेसिकली ऐसा मेथड होता है कि हमारे मशीन लर्निंग के अंदर अगर हमारे पास डाटा के अंदर कोई टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रिंग्स है, तो स्ट्रिंग्स के ऊपर हमारा एल्गोरिथम कभी भी परफॉर्म नहीं करता मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, क्योंकि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल्स मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल बेस्ड होते हैं। तो लिहाजा मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फार्मूला सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर ऑपरेट हो सकते हैं, कभी भी स्ट्रिंग वैल्यू पर ऑपरेट नहीं हो सकते। तो इसके लिए हम लेबल इनकोडर या वन हॉट इनकोडर इस तरह के क्लासेस को यूज करते हैं ताकि हमारे स्ट्रिंग डाटा को न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये मैंने यहाँ पर डिफरेंट लाइब्रेरीज जिनकी मुझे जरूरत थी मैंने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास एक डाटा है हाउस रेंट डाटा सेट, इसको मैंने कैगल से डाउनलोड किया। आप जानते हैं कि हम कैगल से किस तरह से डाटा सेट डाउनलोड करते हैं, मैंने ये आपको पांडास के अंदर बताया हुआ था, वहां पर भी हमने एक डाटा सेट डाउनलोड करके देखा था कि किस तरह से हम उसको डाउनलोड करते हैं और किस तरह से फिर उसे इंपोर्ट करते हैं सीएसवी में। तो एक हाउस रेंट का डाटा सेट है, ये मैंने कैगल से इंपोर्ट किया सीएसवी फाइल में और उसको मैंने डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करके ये अपने सामने यहाँ पर मैंने उसे दिखाया हुआ है। अब ये हाउस रेंट का डाटा सेट है, इसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमने एक हाउस के डिफरेंट फीचर्स की बेस पर उसके रेंट को प्रिडिक्ट करना है। तो मेरे पास हाउस के डिफरेंट फीचर्स हैं, यानी सबसे पहले तो मेरे पास पोस्टिडोन है। पोस्टिडोन का मतलब ये हाउस, कोई भी एक हाउस उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है रेंट के लिए, जो उसकी एडवर्टाइजमेंट है वो किस डेट को पोस्ट हुई है, ये डेट यहाँ पर लिखी हुई है। इसी तरह से उस हाउस में कितने नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं, उस हाउस का रेंट क्या है, ये रेंट तो हमने प्रिडिक्ट करना है। ये हमारा आउटपुट होगा, ये हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, टारगेट वैल्यू होगी। साइज है हाउस का, ठीक है, फ्लोर है कि हाउस में कितने फ्लोर्स हैं, किस फ्लोर के रेंट की बात हो रही है, वो किस एरिया के अंदर है, उस एरिया की टाइप क्या है, उस एरिया की लोकेलिटी क्या है, वो किस सिटी के अंदर है हाउस, उस हाउस का फर्निश्ड स्टेटस क्या है कि हाफ फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड है या टोटली फर्निश्ड है, उस हाउस का टेनेंट प्रेफर्ड क्या है कि बैचलर्स के लिए है, होस्टलाइज्ड के लिए है या फैमिली के लिए है, उस हाउस के अंदर नंबर ऑफ वॉशरूम्स कितने हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या, यानी अगर हमने वो हाउस रेंट पर लेना है तो हमें डायरेक्ट उस बिल्डर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, यानी ओनर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, या दरमियान में कोई डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर, जिससे हमें कॉन्टेक्ट करके हाउस रेंट पे लेना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे डिफरेंट हाउस के फीचर्स हैं। अब इन तमाम फीचर्स में आपने खुद इसको देखना होता है और सोचना होता है कि इनमें से ये वाला फीचर, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है कि ये वाला फीचर पोस्टिडोन, कि उस हाउस की जो एडवर्टाइजमेंट है वो कब पोस्ट हुई है, इस फीचर को छोड़कर बाकी तमाम फीचर्स हाउस की प्राइस के ऊपर, उसके रेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। यानी जैसे अगर मैं कहता हूँ नंबर ऑफ बेडरूम्स अगर किसी हाउस में बढ़ाएंगे तो उसका रेंट बढ़ जाएगा, उसका साइज बढ़ाएंगे, उसको मरले में करेंगे, दो मरले, तीन मरले या किनाल में लेके जाएंगे तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, फ्लोर उसके ज्यादा करेंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा। यानी ग्राउंड फ्लोर की प्राइस, उसका जो रेंट है सबसे ज्यादा होता है, जैसे जैसे आप जाते जाए उसके रेंट्स कम होते जाते हैं। इसी तरह एरिया टाइप, जितने बड़े एरिया में होगा उतना ज्यादा उसका रेंट होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हाउस के रेंट के अंदर मैटर कर रही होती हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर मैंने डाटा विजुअलाइजेशन की इसकी डिफरेंट करवाई हैं। आप इसको करवा भी सकते हैं, इसको आप यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो की काम किया, दैट इज द फीचर एक्सट्रैक्शन, यानी हाउस के रेंट के ऊपर जो जो चीजें डिपेंड कर रही होती थी वो मैंने सारी यहाँ पर इकट्ठी कर ली। तो यहाँ पर मैंने एक डाटा फ्रेम बनाया, इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ बेडरूम, साइज, फ्लोर, एरिया टाइप, यानी जो जो चीजें मुझे लगता था कि हाउस के रेंट के ऊपर इफेक्ट कर सकती हैं, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर क्या की, एक डाटा फ्रेम में निकाल ली और इसको मैंने डाटा फीचर्स के अंदर मैंने स्टोर कर दिया, एक वेरिएबल डाटा फीचर्स के अंदर मैंने इसको स्टोर कर दिया। फिर मैंने हाउस के अंदर से एक टारगेट वैल्यू, ये मेरी डिपेंडेंट वैल्यू है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको मैंने निकाल के वाई में स्टोर कर दिया। तो ये बेसिकली मेरे इनपुट्स हैं जिनको हम फीचर्स कहेंगे, ये मेरे आउटपुट्स हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहेंगे, हमारा टारगेट वैल्यू। अब मैंने क्या किया कि मुझे पता था कि यहाँ पर हाउस का जो मेरे पास डाटा सेट है, इस डाटा सेट के अंदर बहुत सारे स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, जिस तरह से ग्राउंड है, तो ये देखिए एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ये तो न्यूमेरिक है, ये भी हमारे पास न्यूमेरिक है, लेकिन कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, जैसे ग्राउंड है, बैंडल है, अनफर्निश्ड है, कोलकाता, ये सारे स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। तो इनको कभी भी हमारा मशीन लर्निंग मॉडल डील नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज इनपुट होती है और न्यूमेरिकल ही उसके अंदर से आउटपुट आते हैं। तो उन स्ट्रिंग वैल्यूज को न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक लेबल इनकोडर की एक क्लास इस्तेमाल की है, जिससे मैंने क्या किया, जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे मैंने कन्वर्ट करवा के नंबर्स के अंदर न्यूमेरिकल फॉर्मेट में सेव करवा दिया उसी डाटा फ्रेम में। तो आप ये देख सकते हैं, जब मैंने इसको अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब मैंने ये सारे के सारे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, तो करने के बाद उसके बाद मैंने क्या किया,
यहाँ पर ट्रेन टेस्ट सिमुलेशन किया है, जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। क्या मेरा पूरे का पूरा हाउस इसका डाटा दो टेस्ट में डिवाइड होगा, दो सेट्स में, एक मेरे पास ट्रेनिंग सेट होगा, एक टेस्टिंग सेट होगा। मेरे पास एक्स ट्रेन के अंदर क्या होगा, ट्रेनिंग इनपुट्स होंगे, एक्स टेस्ट में मेरे पास टेस्टिंग इनपुट होंगे, वाई ट्रेन में ट्रेनिंग आउटपुट्स होंगे और वाई टेस्ट में टेस्टिंग आउटपुट होंगे। मैं ट्रेनिंग इनपुट और ट्रेनिंग आउटपुट इन दोनों को मॉडल को दूंगा और अपने एल्गोरिथम को ट्रेन करवाऊंगा, मशीन को सिखाऊंगा। जब मशीन सीख जाएगी तो फिर मैं टेस्टिंग इनपुट्स को मशीन देकर मशीन में इनपुट देकर टेस्टिंग इनपुट्स को और मशीन से प्रेडिक्शन निकालूंगा, और प्रेडिक्शन निकालने के बाद मैं उसको ओरिजिनल आउटपुट से कंपेयर कर लूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि मशीन कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये मैंने यहाँ पर एक एल्गोरिथम को सबसे पहले इनिशियलाइज करवाया इसकी क्लास को, और इसके अंदर मैंने एक मेथड यूज किया मॉडल डॉट फिट का, और इसके अंदर मैंने ट्रेनिंग इनपुट और ट्रेनिंग आउटपुट को देकर मॉडल को यहाँ पर ट्रेन करवा दिया। अब ये मे भी अगर डाटा ज्यादा हो तो कुछ टाइम भी रिक्वायर करता है, लेकिन इस केस में हमारे पास डाटा इतना ज्यादा नहीं है हाउस का, तो ये थोड़े से टाइम में फौरन हमारे पास ये ट्रेन हो जाएगा। तो ये ट्रेन होने के बाद अब मैंने क्या कहा कि अब मैंने उससे कहा कि मुझे जो प्रिडिक्शन है वो तुमने देनी है एक्स टेस्ट, यानी टेस्टिंग इनपुट्स में से जो पहले 10 इनपुट्स हैं उनके ऊपर तुमने मुझे प्रिडिक्शन देनी है। तो उसने मुझे बता दिया कि पहले 10 हाउसेस जो हैं जो टेस्टिंग इनपुट्स के मुताबिक आ रहे हैं उन हाउसेस के रेंट प्राइस क्या हैं। उसने मुझे रेंट प्राइसेस दे दिए, यानी किसी का 25,000 दिया है, फिर किसी का यहाँ पर कुछ -26 के करीब दिया, इस तरह से उसने डिफरेंट प्रिडिक्शंस दी। जब मैंने इसकी एक्चुअल देखी तो एक्चुअल मेरे पास यहाँ पर ये आ रही थी, तो ये वाली मेरी एक्चुअल्स आ रही थी, तो ये एक्चुअल जो है ना ये मेरे पास एक्चुअल थी और ये मेरे पास प्रेडिक्टेड थी। अब मैंने चेक करने के लिए कि क्या मेरी एक्चुअल और प्रेडिक्टेड के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, इस चीज को चेक करने के लिए मैं एक फार्मूला यूज करता हूँ, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये मीन एब्सोल्यूट एरर जब मैंने यूज किया यहाँ पर, तो इस मीन एब्सोल्यूट एरर ने मुझे बताया कि तकरीबन हाउस के अंदर एवरेज तौर पे जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास 31,000 का आ रहा है। यानी एक हाउस की प्रिडिक्शन और एक्चुअल के अंदर जो एवरेज तमाम तर जितने भी हाउसेज हैं उन तमाम की अगर प्रिडिक्शन निकाले जाए, उनकी एवरेज निकाले जाए, तो अगर हाउस का रेंट जो है लेट्स सपोज 2.5 लाख रुपए है, तो मॉडल जो है उसका रेंट 2.5 लाख की बजाय 2,20,000 बता रहा है, यानी 30,000 से 31,000 का डिफरेंस ये मॉडल बता रहा है। तो ये नॉर्मली मेरे पास एक रिग्रेशन प्रॉब्लम थी, और इस तरह से हम क्या करते हैं कि अपने मॉडल को ट्रेन करवाते हैं और उसको वैलिडेट करवाते हैं। अब चूंकि ये वाली वैल्यू को कम करने के लिए जो हमारा एरर है या हमारा लॉस है, इसके लिए हम एक फर्दर प्रोसेस यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, डाटा बैलेंसिंग कर सकते हैं, इसके लिए फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक को यूज कर सकते हैं, ये सारी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं जो कि थोड़ा एडवांस लेवल पर आती है। तो यहां तक हमने देख ली कि किस तरह से हम एक रेग्रेशन की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उस पर एक पूरा का पूरा मॉडल कोडिंग के एग्जाम्पल्स के थ्रू ट्रेन करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम पर चलते हैं और हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में कौन सी ऐसी नॉर्मली हमारे पास चीज है जिसके थ्रू हम उसको कोडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको भी हम मैं जल्दी से गो थ्रू करवाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम भी पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इस पे जाता हूँ। ये मेरे पास क्लासिफिकेशन का है, और क्लासिफिकेशन के अंदर जैसे कि हमने यूज किया था वाटर पोर्टेबिलिटी, ये हमने यूज किया था अपने डेटा सेट्स के अंदर। तो वाटर पोर्टेबिलिटी ये जो एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें वाटर्स के डिफरेंट फीचर्स की बेस पर ये बताना है कि वाटर सेफ है या नॉन सेफ है। तो हमारे पास यहाँ पर बाइनरी क्लासिफिकेशन है, यानी या तो वाटर के डिफरेंट फीचर्स की बेस पर बताएगा कि वाटर पोर्टेबल है, पीने के काबिल है, या पीने के काबिल नहीं है, तो ये सारी चीजें बताएगा। तो यहाँ पर देखें, सिंपल मैंने उसी तरह से बाकी सारे डिफरेंट मेथड्स इंपोर्ट कर लिए। यहाँ पर एक दो चीजें डिफरेंस है, जिस तरह से एक्यूरेसी स्कोर और कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन का जो मॉडल है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको वैलिडेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक्यूरेसी स्कोर और कंफ्यूजन मैट्रिक्स इस्तेमाल किए हैं, जो कि ये चेक करके बताएंगे कि मॉडल कितनी सही प्रेडिक्शंस दे रहा है वाटर के बारे में और कितनी गलत प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। बाकी तकरीबन वो तमाम सेम लाइब्रेरीज हैं। इसी तरह से मैंने गिटहब से अपनी इस रेपो को क्लोन करके ये डाटा सेट को यहाँ पर मैंने इसको लोड कर लिया, और ये आप देख सकते हैं वही डाटा सेट है ये जिस तरह से यहाँ पर आ गया। अब मैंने कुछ यहाँ पर एक क्यूरी लगाई जिससे मैं ये जान सकूं कि डाटा सेट के अंदर कुछ नल वैल्यूज तो नहीं है। तो मुझे यहाँ पर ही नजर आ गया था कि डाटा सेट के अंदर कहीं ना कहीं नल वैल्यूज आ रही हैं। जब तक ये नल वैल्यूज परफॉर्म होंगी तब तक, यानी यहाँ पर जब तक मौजूद होंगी तब तक मैं कोई भी क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम या कोई भी रेग्रेशन का एल्गोरिदम इस्तेमाल नहीं कर सकता। इससे पहले जो मैंने डाटा सेट यूज किया हाउस का, उसके अंदर नल वैल्यूज मौजूद नहीं थी, ठीक है। इसके अंदर नल वैल्यूज मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ा कि क्या इसके अंदर नल वैल्यूज हैं, अगर हैं तो कितनी है,
इसने मुझे यहाँ पर टोटल बता दिया कि टोटल इतनी नल वैल्यूज हैं। अब इन नल वैल्यूज को खत्म करने के लिए हम एक ड्रॉप की क्यूरी यूज करते हैं, ये भी पांडास में आपने पढ़ी होगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा ड्रॉप ना, तो जितनी भी नल वैल्यूज हैं यहाँ पर ये सारे के सारे ड्रॉप हो गई, और उसके बाद यहाँ पर आ गया कि अब इसके अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं है। इसके बाद मैंने वही फीचर सिलेक्शन की जैसे मैंने रेग्रेशन प्रॉब्लम में की थी, वो तमाम फीचर्स जो कि पानी के ऊपर यानी पानी की पोर्टेबिलिटी के ऊपर उसको इफेक्ट कर रहे हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर क्या किए डाटा सेट में से निकाल लिए। अब पीएचपी डिपेंड कर रही होती है, ये हार्डनेस भी पानी के ऊपर जो है वो इफेक्ट करती है, पानी के पीने या ना पीने, सेफ और अनसेफ पे सॉलिड्स भी डिपेंड करते हैं, ये हमारे पास क्लोरोमाइंस भी इस पे इफेक्ट करता है, सल्फेट भी, कंडक्टिविटी भी, ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। तो ये सारे मैंने क्या किए फीचर्स के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लिए। और जो चीज लास्ट वाली थी पोर्टेबिलिटी, ये जीरो या वन थी, यानी या तो पानी नहीं पी सकते, या तो जीरो का मतलब कि हमारा पानी सेफ है, वन का मतलब कि हमारा पानी अनसेफ है, हमारा जो वाटर है वो अनसेफ है, उसका जो सैंपल है। तो वो वाला जो है उसको मैंने एक टारगेट वैल्यू के अंदर जो है वो स्टोर करवा लिया। इसी तरह से ट्रेन टेस्ट सप्लीशन यूज की, जैसे कि अभी हमने रेग्रेशन प्रॉब्लम में इसको यूज किया, ये मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, लॉजिस्टिक रेग्रेशन मॉडल है जो कि क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, वो हमने यूज किया, उसको मैंने ट्रेन करवाया, ट्रेनिंग इनपुट और ट्रेनिंग आउटपुट के साथ उसको ट्रेन करवाया। देन फिर मैंने टेस्टिंग इनपुट्स में से फर्स्ट 10 आउटपुट्स पर इसकी प्रेडिक्शन निकाली कि इसकी प्रेडिक्शन क्या होती है। यहाँ पर मैंने इसको शो करवाया हुआ है कि पहले 10 इनपुट्स जितने भी हैं उनके ऊपर इसने मुझे प्रेडिक्शन दी कि पहले 10 इनपुट्स जो हैं जो वाटर सैंपल्स के इसको दिए गए हैं मॉडल को ट्रेन करवाने के बाद, वो सारे के सारे सेफ हैं। जब मैंने एक्चुअल में देखा तो एक्चुअल में मेरे पास 2 ऐसे थे जो नॉन सेफ थे, बाकी 8 ऐसे थे जो सेफ थे। इसका मतलब मॉडल ने 10 में से 8 मुझे सही बताए हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 की 10 वैल्यू जीरो है, यहाँ पर 8 वैल्यू जीरो है, तो 10 में से इसने 8 मुझे सही बताए हैं, 2 इसने मुझे गलत बताए हैं। तो यहाँ से हम जज कर सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी 80% के करीब होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक्यूरेसी स्कोर लगाया और इसमें उससे कहा कि कंपेयर करो ओरिजिनल को और मॉडल की प्रेडिक्शन को, और मुझे एक्यूरेसी राउंड ऑफ करके यहाँ पे प्रिंट करके दो। तो उसने यहाँ पर कहा कि मॉडल जो है वो 80% एक्यूरेट है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स को कोडिंग के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी, यहाँ तक के हमारा कोर्स मशीन लर्निंग एआई एंड डाटा साइंस यहाँ पर इख्तिताम को पहुंचता है। हमने इस कोर्स के अंदर पाइथन को डिस्कस किया, हमने डाटा साइंस को डिस्कस किया, हमने मशीन लर्निंग को भी डिस्कस किया, और मशीन लर्निंग के बाद उसके जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं मेथड्स हैं उनको भी डिस्कस किया, और यहाँ पर हमने मशीन लर्निंग की कोडिंग एग्जाम्पल्स के थ्रू किस तरह से उसके एल्गोरिथम्स को परफॉर्म करते हैं डिस्कस किया। तो उम्मीद है इस कोर्स में आपने इंजॉय किया होगा, आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी। ठीक है, आपके लिए इस कोर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं जो कि आप इसमें सीख सकते हैं, डीप लर्निंग में जा सकते हैं। हमारे क्लासेस की लिमिटेशंस की वजह से हम इस कोर्स को यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। थैंक यू।